अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। फतेह ने गले में कुछ फंस गए हैं, जैसे मेरे ओरिजिनल अपनी आवाज़ है उसके बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अलग सा मेरा आवाज़ रिकॉर्ड होते हैं, तो इसलिए मुझे खुद भी बहुत हैरान होती हूँ। और ये एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर ड्रेसिंग व्रेसिंग होते हैं, जहाँ पर सब कुछ ऐसी बड़ा बड़ा होता है, तो वैसे एक कमरा होना भी चाहिए मैसी टाइप का, तो ये बहुत ही कमरा हमेशा मैसी ही रहते हैं। और बाकी आज संडे है और थोड़ा सा मसरूफियात है, क्योंकि बहुत तैयारी करनी है अभी, हैदरपुरा भी जाना है और मेहमान भी आने वाले हैं, और इसलिए छोटी कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ तो छोटी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, और मैं बिजी हूँ, परी भी बिजी है, सब बिजी। हाँ जी, आज मेरा हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं है। सलाम कर दो जानू, कुछ बोलेंगे आपको क्या हो रहा है? आज तबीयत ठीक नहीं है, पूरा जिस्म दर्द है, सिर से लेकर पैर तक पूरा जिस्म दर्द कर रहा है और बहती है। वरना बारामूला जाना था ना, वही बारामूला निकलना था आज, लेकिन अल्लाह की मंजूर ही कुछ और ही है। आज तो लंच बाहर करेंगे सोचा था। रेस्टलेसनेस हो रही है, थोड़ा ठंडा गर्म भी हो रहा है, थोड़ा सा मुझे ब्लैंकेट भी दे दो। हाँ, थोड़ा सा मुझे ब्लैक टी एक कप दे दो। अभी मैं नीचे धूप में बैठा था, थोड़ा सा आराम आया, फिर ठंड लग गया। फिर चलते हैं ना, धूप में बैठेंगे। क्योंकि मेरा हस्बैंड जब बीमार थोड़ी बहुत होते हैं, मुझे बहुत घबराहट हो जाते हैं फिर। और इन्होंने अभी मेहंदी भी नहीं लगाई है बियर्स पे, अदरवाइज उम्र इतना नहीं है कि सफ़ेद दाढ़ी हो जाए, लेकिन कुछ खान पान वगैरह मिलावट आज तो फिर भी सफेद तो अच्छा है। जो बाहर था ना, मैं नोएडा का पानी थोड़ा सूट नहीं हुआ मुझे, नोएडा का पानी मुझे सूट नहीं हुआ। दिल्ली नोएडा में थे जब ये जॉब कर रहे थे कैलाश हॉस्पिटल में, तो उस वक्त तो बहुत बाल घने थे, और वहाँ के पानी थोड़ा सॉल्टेड वाटर और पता नहीं रिजर्व वाटर, वहीं से इनका बाल और ये शुरू हो गया, सफ़ेद होना शुरू हो गया। फिर जब वापस आए थे, ठीक रहेगा तो कोई दाढ़ी वाड़ी तो एक दिन सफ़ेद होना ही अपने टाइम पे, उम्र के साथ अगर अल्लाह ने उतनी ज़िंदगी लिखी होगी तो बाल तो सफ़ेद होना लाजमी है। हाँ, अभी कूटेंगे ना, ये बहुत ही मिर्चीदार होगा। ओह, जो आपने मुझे थोके से खिलाया कितना मजा था? वो मजा नहीं था, वो बिल्कुल भी मजा नहीं था। वो ऑर्डर ऑर्डर जज साहब, इसने मुझे थोके से मिर्ची। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। और आज संडे है और देख लीजिए यहाँ के नज़ारे। सुबह तो घर पे सबका तबीयत ठीक नहीं था, इकबाल साहब का खास कर तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गई थी, क्योंकि इकबाल साहब बीमार हो जाते हैं तो समझो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर अभी दोपहर के बाद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से, रहम से, अभी इकबाल साहब ठीक है, दवाई खाए थे तो, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं, अंदर से अभी थकन है। तो इकबाल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? एक वक्त आप भी तो हो, थोड़ा शुक्र है अल्लाह का थोड़ा फ़र्क हो गया, दवाई खाया, थोड़ा सा पेट खा लिए हैं, शुक्र है। दही खाएंगे, दही से थोड़ा ठीक रहेगा, रात को खाएंगे चावल दही, फर्क हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह रहमान।
और बाकी तो बस जिंदगी ऐसी चल रही है। और अभी देखिए लाल चौक का नज़ारा, और ये है पैसा, हाँ। और बाकी अभी हम लाल चौक में है, घंटा घर के पास है। अभी मेरा बेटा गया हुआ है वो गोलगप्पे लाने, वो घर में खुद बनाएंगे, लेकिन रेडीमेड होते हैं, घर में फ्राई करना होता है। और अभी मैं घंटा घर के बिल्कुल ठीक करीब में हूँ, और इस साइड घंटा घर का अभी कुछ इस तरह से यहाँ का सीन है, आप लोग देख लीजिए। और आज संडे है तो थोड़ी बहुत रश तो होगी, अभी मेन संडे मार्केट तो पहुँचे नहीं है। और मैं यहाँ से इस तरह अमीरा कदल से इस पार देखिए समोसा लाए, और चटनी भी है, और सब मज़े से खा रहे हैं। एक बार साहब भी अभी समोसा और जलेबी भी लाए हैं, जलेबी नहीं खाया नहीं। और आज समोसा बहुत ही मज़ेदार है। अब मुझे खुद शूट भी करना पड़ता है, खुद कैमरा भी पकड़ना पड़ता है, कोई मदद नहीं करते हैं मुझे, तो इसीलिए मुश्किल होता है। और देखिए जलेबी भी बहुत मज़ेदार है, अभी गर्म बहुत है, छोटी कह रही है। तो आज मुझे लगता है कि घर बनाया हुआ जैसा जलेबी और समोसा है, आज बहुत मुबारक की बात है, आज कम से कम अच्छा मिला। तो इसीलिए अभी घर जाते समय 1 किलो जलेबी भी लेंगे और समोसा भी लेंगे 10-15 ठो, अदरवाइज मुझे कहीं कभी समोसा पसंद नहीं आता है। देखिए अब थोड़ा रश कम हो रहे हैं, लेकिन चीज़ें तो वही घिसा पिटा, मुझे तो कुछ पसंद नहीं आता है। इस तरह के बिछावने तो एकदम बेकार हैं, एक बार धो तो रोना पड़ता है, ये पीछे का सारा निकल के आ जाते हैं। दिखने में पता नहीं लोगों को खूबसूरत लगते हैं, मुझे तो खूबसूरत भी नहीं लगते हैं, धोने के बाद रोना पड़ता है। नकली बिरयानी मिलते हैं, लोग बहुत शौक से खाते हैं, और गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबीज एंड ऑल विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लोटेड कलर्स इन इट, बट पीपल दे यूज टू हैव डाई हार्ड यू नो, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये देखिए जूतों का, ड्यू नहीं मिल रहा है, ऐसा अजीब दास्तान किसको सुनाएंगे। ड्यू नहीं मिल रहा है यहाँ पे इनको। ये देखिए, ये मैंने मीठी वाली पानी बनाया, मीठा पानी गोलगप्पे के लिए, इसमें डाला है इमली, गुड़ और थोड़ा चीनी भी। देखिए अभी चीनी पूरा मेल्ट नहीं हुआ है। फिर पुदीना, धनिया और ये ज़ीरा, चाट मसाला और नमक, काली नमक और भी कुछ कुछ भी रखना पड़ता है। जो ये मीठी वाली जो रस है, ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। देखिए ना पतला ना गारा इसका जो ये है, एकदम मिश्रण बहुत ही अच्छा बना है। और मैंने ये भाड़ में रखे हैं इस मिट्टी के बर्तन में। और ये है खट्टी वाली पानी, अभी जब खाएंगे तो आप लोग से शेयर ज़रूर करेंगे। अब देखिए गोलगप्पा तैयार है मेरे, ये गोलगप्पा अभी मेरी बच्ची ने बना के लाई, और ये मेरा खट्टा वाला पानी, देखिए इसका थिकनेस बहुत मज़ेदार। और ये है मेरा मीठा वाला रस जो कि बहुत मज़ेदार, नज़र नहीं लगनी चाहिए। और ये है मेरा आलू का मिश्रण, और ये मेरे ऑडियंस बैठे हैं यहाँ पे खाने के लिए। और उसके बाद सब्ज़ी मोमो तैयार करेंगे आज, वो आपको बाद में दिखाएंगे इंशाअल्लाह रहमान।
वेज मोमो तैयार हो गया और वेज मोमो बहुत ही डिलीशियस। स्टीम निकल रहे हैं वेज मोमोस। आजकल मोमोस के लिए तो लोग पागल हो रहे हैं।